गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th ग्लोरियस इंडिया. तो लास्ट जो क्लास थी उसमें अशोक के बारे में बात की थी, जो मौर्यन डायनेस्टी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक शक्तिशाली जो सम्राट राजा जो थे अशोक, उनके बारे में बात की थी. अशोक के बाद अब देखते हैं आगे अशोका का जो था धम्मा, या इसे धम्म भी बोलते हैं. अशोक का जो धम्म है एक धर्म से रिलेटेड, रिलीजन, रिलेटेड टू रिलीजन. तो अशोक के धम्मा की बात करें तो था क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है 1 नंबर का या फिर 3 नंबर का. अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय धम्मा, तब सिर्फ आपको 1 लाइन में आंसर देना है. और अगर क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है तब आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखना होता है. तो देखेंगे अशोकन धम्मा. अशोक एस्टैब्लिश्ड आइडियल्स फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, दीज वर कॉल्ड धम्मा. अशोक एस्टैब्लिश्ड आइडियल्स फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, दीज वर कॉल्ड धम्मा. जो अशोक थे उन्होंने कुछ लेसन्स दिए थे, कुछ मॉरल लेसन, जो नैतिक जो आइडियल्स थे, लेसन्स थे, वो अशोक ने बताए थे. किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, लोगों के विकास के लिए, मतलब लोगों के लिए कुछ अच्छा किया था. कुछ ऐसे लेसन्स दिए थे, ऐसे आइडियल्स बनाए थे जिनको लोग फॉलो करें, जिनसे लोगों का क्या हो, डेवलपमेंट हो. तो उन्हें ही क्या बोला गया, अशोकन धम्मा उन्हें बोला गया था. तो वो लेसन या वो आइडियल्स जो अशोक ने लोगों को डेवलपमेंट के लिए बताए थे वो क्या थे, धम्मा. अब इसी में आगे देखते हैं डेफिनेशन इन 2nd and 7th rock edict. अब अशोक के जो धम्मा हैं इनकी डेफिनेशन मिलती कहाँ है. तो जो अशोक के जो रॉक एडिक्ट हैं, जो 7 जो रॉक एडिक्ट मिले हैं, उनमें से 2nd and 7th rock edict में मिलती है. मतलब जो धम्मा के बारे में लिखा हुआ है वो 2nd and 7th rock edict में लिखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू हिम, अब उनके अनुसार क्या था धम्मा में, था क्या. अकॉर्डिंग टू अशोका या अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार था क्या. शनिंग सिनफुल एक्शन, शनिंग सिनफुल एक्शन, जो भी सिनफुल, जो भी हम पाप करते हैं या पाप के जो वर्क कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से त्याग देना, छोड़ देना. ऐसे काम ना करना जिनमें हम कोई पाप कर रहे हैं, मतलब दूसरों की बुराई नहीं करना, सबसे पहली बात. फिर वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड, वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड, जो विश्व है, वर्ल्ड जो है उसकी क्या रखना, वेलफेयर करना, उसके लिए अच्छे काम करना. फिर चैरिटी, दान करना, ट्रुथ, सत्य बोलना, एंड प्यूरिटी ऑफ एक्शन इज धम्मा, और अपने जो कार्य है, अपने जो एक्शन, उनको एकदम प्योर रखना, अच्छे कार्य करना. तो अशोक ने जो आइडियल्स दिए थे मॉरल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों के मॉरल डेवलपमेंट के लिए, उन्हें ही धम्मा बोला गया. और धम्मा की डेफिनेशन 2nd and 7th जो रॉक एडिक्ट है उनमें देखने को मिलती है. उनके अनुसार जो सिनफुल एक्शन है, पाप करने वाले काम हम कर रहे हैं, उनसे दूर रहना, और वर्ल्ड का वेलफेयर करना, दान करना, सत्य बोलना, प्यूरिटी ऑफ एक्शन, अच्छे कार्य करना, यही क्या है, धम्मा. और जो एसेंशियल कंडीशंस थी, धम्मा अगर कोई एडॉप्ट करेगा, ये एक धर्म था धम्मा, इसको जो भी अपनाएगा इस धर्म को, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी रहेगी, तो वही वेलफेयर ऑफ पब्लिक, पब्लिक की जो अच्छे कार्य करना पब्लिक के लिए, वेलफेयर ऑफ पब्लिक. शनिंग ऑल इविल्स, शनिंग ऑल इविल्स, सभी बुराइयों को त्याग देना, कोई भी बुराई अपने अंदर नहीं रखना. गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेव करना. नॉन वायलेंस, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, नॉन वायलेंट रहना. ओबेइंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स, पेरेंट्स की और अपनों से जो एल्डर हैं, बड़े हैं, उनकी ओबे, आज्ञा का पालन करना. रेस्पेक्ट ऑफ गुरु, गुरु की रेस्पेक्ट करना, आदर करना गुरु का. अकॉर्डिंग टू 3rd rock edict, अकॉर्डिंग टू 3rd rock edict, जो 3rd rock edict है उसके अनुसार क्या है, देयर वॉज अ प्रोविजन ऑफ मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी. मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी, जो 3rd rock edict है, 3rd rock edict है, उसके अनुसार क्या बताया गया है, जो भी आपके पास पैसा है उसको आप कैसे यूज करें, मॉडरेटली, कम से कम पैसा आप यूज करें ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकें. तो ये है अशोका का जो धम्मा था, या धम्म जो था, एक धर्म के रूप में अशोक ने स्टार्ट किया था. तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तब हम सिर्फ यहाँ तक लिख देंगे 2nd and 7th की. अशोक ने कुछ मॉरल लेसन दिए थे जो लोगों को डेवलप करे, मैनकाइंड का वेलफेयर करे, उसके साथ साथ में 2nd and 7th rock edict में इनके बारे में
बताया गया है। बाकी क्या क्या इसमें कार्य करने हैं, क्या क्या कंडीशन इसके लिए एसेंशियल है और थर्ड रॉकेट एक्ट में क्या बताया गया, ये सारी बातें अशोकान धम्मा में लिख देनी है। नेक्स्ट है धम्मा यात्रा। धम्मा यात्रा, धम्मा यात्रा धर्म की यात्रा। तो धर्म की यात्रा की बात करें तो अशोक के टाइम से पहले की अगर बात की जाए, बिफोर अशोकाज रेन, अशोक के समय से पहले की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी राजा हुआ करते थे, जो भी किंग थे, क्या करते थे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए यात्रा करने जाते थे। कहाँ पे? जो भी विहार होते थे, जंगल, जो भी फॉरेस्ट है, जंगल है, विहार जिन्हें बोलते हैं, वहाँ पे जाते थे, वो यात्रा करने के लिए जाते थे और वहाँ पे अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए एनिमल्स को किल करते थे, शिकार करते थे। लेकिन अशोक जो थे उन्होंने क्या किया, ये बंद करवा दिया सिस्टम। जब अशोक खुद राजा बने तो उन्होंने विहार यात्रा को बंद करवा के उसकी जगह धम्मा यात्रा स्टार्ट की थी। तो देखते हैं उसमें, देखिए, बिफोर अशोकाज रीन, अशोक के समय से पहले, बिफोर अशोकाज रीन, अशोक के समय से पहले किंग्स यूज टू गो फॉर विहार यात्रा। जो भी राजा हुआ करते थे, जो भी अशोक से पहले के जो राजा थे, क्या करते थे, गो फॉर विहार यात्रा, विहार यात्रा पे जाते थे। ड्यूरिंग विच, और उस समय जब वो यात्रा पे जाते थे, दे किल्ड एनिमल्स, क्या करते थे, एनिमल्स को किल करते थे, फॉर देयर एंटरटेनमेंट, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए राजा जो है यात्रा पे जाके पशुओं को मारते थे, एनिमल्स को किल करते थे। इन प्लेस ऑफ सच, अब उनकी जगह, इन प्लेस ऑफ सच ट्रेवल्स, अब उन यात्राओं या उन ट्रेवल्स की जगह अशोक अरेंज्ड फॉर धम्मा यात्रा। अशोक ने विहार यात्रा की जगह क्या कर दिया, धम्मा यात्रा स्टार्ट कर दिया। इन विच, और उनमें क्या होता था, ट्रेवल्स वर मेड टू, ट्रेवल्स तो होती थी लेकिन कहाँ जाते थे, वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के पास जाते थे, ब्राह्मण्स के पास जाते थे एंड नीडी पीपल्स। मतलब पहले कहाँ जाते थे, विहार में एनिमल्स को किल करते थे, लेकिन अशोक ने उसको बंद करवाया विहार यात्रा को और धम्मा यात्रा स्टार्ट किया। और उसमें क्या प्रोविजन रखा कि हम यात्रा तो करेंगे लेकिन एनिमल्स को किल ना करके क्या करेंगे, बुद्धिस्ट जो धर्म के पिलग्रिम हैं, जो तीर्थ यात्री, उनके पास जाएंगे, ब्राह्मण्स के पास जाएंगे, साथ ही साथ जो नीडी पीपल हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके पास जाके उनको क्या देंगे, कुछ पैसा देंगे या गोल्ड के जो कॉइन हैं, गिवन गोल्ड इन चैरिटी। तो उनको क्या करेंगे, जो नीडी पीपल है, ब्राह्मण्स है, जो भी है, उनके पास जाके उनको दान में गोल्ड देंगे, साथ ही साथ अपना धर्म भी स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे। तो ये था धम्मा यात्रा। नेक्स्ट है अनुसंधान। अब अनुसंधान की अगर बात करें तो अशोक के समय, ड्यूरिंग अशोकाज रीन, अशोक के समय की अगर बात की जाए तो अशोक जो थे उन्होंने अपने जो भी उनके जो वर्कर्स थे, उनके जो भी वर्कर्स थे जो उनके लिए काम करते थे, जैसे रज्जुका, प्रदेशिका, युक्ताक्ष, ये जितने भी थे, उन सबको क्या किया था, उनके लिए एक प्रोविजन रख दिया कि आपको एवरी फिफ्थ ईयर, हर पाँचवें साल क्या करना है, धर्म को फैलाने के लिए आपको ट्रेवलिंग पे जाना है, यात्रा करनी है, उसे ही बोला गया अनुसंधान। तो देखिए, ड्यूरिंग अशोका जिन, ड्यूरिंग अशोका जिन, अशोक के समय द स्टेट एम्प्लॉयज़, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, जो काम करने वाले लोग थे स्टेट के, जैसे प्रदेशिका, रज्जुका एंड युक्ताक्ष, जो ये एम्प्लॉयज़ के नेम है स्टेट में जो एम्प्लॉय होते थे, एक तो प्रदेशिका हो गया, फिर रज्जुका हो गया एंड युक्ताक्ष, जो ये जो एम्प्लॉयज़ थे, इनको सेंट ऑन ट्रेवल्स, इनको भेजा जाता था ट्रेवलिंग पे फॉर प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, धर्म को फैलाने के लिए, रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, फैलाने के लिए एवरी फिफ्थ ईयर, हर पाँचवें साल, हर पाँचवें साल अशोक अपने समय में अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते थे, धर्म को फैलाने के लिए भेजते थे यात्रा पे, और उन्हें ही बोला गया अनुसंधान का नाम उन्हें दिया गया। अब अनुसंधान के बाद में बात करते हैं धम्मा महामत्रा। धम्मा महामत्रा, तो धम्मा महामत्रा एक पोस्ट थी, एक पोस्ट का नेम था, मतलब अशोक ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया था जिनका नाम रखा था धम्मा महामत्रा। धर्म को फैलाने के लिए जो मंत्री अपॉइंट किए गए, धर्म को फैलाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए जो मिनिस्टर्स उसने अपॉइंट किए थे, वही कौन थे, धम्मा महामत्रास थे। तो देखिए, इन थर्टीन्थ ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, अशोक ने अपने कोरोनेशन के 13वें साल में, 13th ईयर में, अशोक अपॉइंटेड धम्मा महामत्राज। अशोक ने क्या किया था, धम्मा महामत्राज नाम के पर्सन्स को या पोस्ट को अपॉइंट किया था, हुज मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़,
अब उनकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुख्य जो जिम्मेदारी थी उनकी, किनकी? धमा महामुत्रा की, जिनको अपॉइंट किया था किसने? अशोक ने। तो उनकी जो मुख्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या थी? टू प्रोपोगेट रिलीजन, टू प्रोपोगेट रिलीजन, धर्म को फैलाना अमंग द मासेज, लोगों तक धर्म को फैलाना, लोगों में धर्म को फैला देना। टू इंस्पायर देम फॉर डीड्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड चैरिटी, साथ ही साथ धर्म को तो फैलाना ही है मासेज में, लोगों में, पब्लिक में, उन लोगों को इंस्पायर भी करेंगे, साथ में उन लोगों को इंस्पायर भी करेंगे, किस लिए? फॉर डीड्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड चैरिटी, पब्लिक वेलफेयर के डीड्स करें, कर्म करें। कर्म कैसे करें? पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के भले के काम करें, और चैरिटी, दान दें। रिलीजिंग प्रिजनर्स फ्रॉम इम्प्रिजमेंट, और जो बंदी हैं, जो इम्प्रिजन, जो जेल में बंद हैं, उनको रिलीज करें, या फिर उनकी जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस करें। एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू देयर डिपेंडेंट्स, और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो बंदी हैं, जो इम्प्रिजन में हैं, जो जेल में हैं, उनके जो डिपेंडेंट है मीन्स उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनको क्या करें? जो फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करें। तो अशोक ने अपने कोरोनेशन के 13th ईयर में धमा महामंत्राज को अपॉइंट किया था, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या थी? एक तो जो लोगों तक क्या करें? प्रोपोगेट करें रिलीजन को, फिर लोगों को इंस्पायर करें, जो कि पब्लिक वेलफेयर के, और चैरिटी करें लोगों में, पब्लिक वेलफेयर के कार्य करें, लोगों को दान दें, और जो बंदी हैं, जो इम्प्रिजन में बंद हैं, उनको क्या करें? रिलीज करवाएं, अगर रिलीज नहीं करवा सकते तो उनकी पनिशमेंट कम करवा दें, साथ ही साथ उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको क्या करें? थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, हेल्प दे। अब बात करते हैं रॉक एडिक्ट की। तो रॉक एडिक्ट, जो रॉक चट्टानों पे जो लिखा हुआ है रॉक एडिक्ट, तो अशोक वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब हिज सब्जेक्ट ऑन रॉक एडिक्ट। अशोक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को, अपनी बातों को एडिक्ट पे राइट करवाया था। तो पहली बात इंपॉर्टेंट है कि अशोक ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपने बातों को कहाँ लिखवाया था? एडिक्ट पे लिखवाया था। अब उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, इंस्पायर कहाँ से हुए वो? ही गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम दारा। भारत के पहले रूलर थे और इंस्पायर किससे हुए? दारा से, जिनका नाम था डेरियस फर्स्ट, जो कि ईरान के रूलर थे, ईरान के राजा थे डेरियस फर्स्ट, जिन्हें दारा का नाम भी दिया गया है। उनसे अशोक इंस्पायर हुए, और फिर अशोक ने भी क्या किया, अपने सब्जेक्ट को रॉक एडिक्ट पे लिखवा दिया। मोस्ट ऑफ द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोक के जितने भी अधिकतर जो क्या हैं, एडिक्ट जो हैं, वो कौन सी स्क्रिप्ट में है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ऑन वन पिल्लर, और एक पिल्लर ऐसा है जो कहाँ से लाया गया? ब्रॉड फ्रॉम टोपरा टू दिल्ली, टोपरा नाम की जगह से दिल्ली में जो पिल्लर लेके आए थे, उस पिल्लर पे अशोक के जो 7 एडिक्ट हैं सभी एक ही पिल्लर पे इंस्क्राइब हैं, लिखे हुए हैं। कहने का मतलब ये है अशोक भारत का पहला ऐसा राजा था, या पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को इंस्क्राइब किया था या लिखवाया था रॉक एडिक्ट पे। उनको इंस्पिरेशन मिली सी मिली कहाँ से मिली थी? दारा नाम के राजा डेरियस फर्स्ट, जिनका दूसरा नाम था, जो कि ईरान के रूलर थे, उनसे इंस्पिरेशन उनको मिली थी। और इनके अधिकतर जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, और एक पिल्लर जो टोपरा नाम की जगह से दिल्ली लाया गया है, उस पिल्लर पे, बहुत बड़ा एक पिल्लर है, उस पे 7 जो एडिक्ट हैं एक ही जगह, 7 उस एक ही पिल्लर पे इंस्क्राइब हैं, लिखे हुए हैं। जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट पर्सन, जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति थे जो कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे उनको रीड करने में वो सक्सेसफुल हुए थे। तो जेम्स प्रिंसेप ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जो अशोक के इंस्क्रिप्शन को रीड करने में सक्सेसफुल हुए थे। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, जेम्स प्रिंसेप थे जो कि अशोक के जो एडिक्ट थे उनको रीड करने में सबसे पहले सक्सेसफुल वही हुए थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय अशोक, अब अशोक से प्रभावित होकर किंग तीसा ऑफ तामपार्णी श्रीलंका, श्रीलंका या तामपार्णी के जो राजा थे तीसा, वो अशोक से काफ़ी क्या हुए? इंस्पायर हुए और इन्फ्लुएंस काफ़ी प्रभावित हुए। एडोप्टेड द टाइटल ऑफ देवनाम प्रिया, सॉरी एडोप्टेड द टाइटल ऑफ देवनाम पिया, उन्होंने टाइटल अडोप्ट किया था कौन सा? देवनाम पिया का। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले एक क्लास में बताया था कि अशोक के अनदर नेम क्या है,
पुराण्स के अकॉर्डिंग एक तो है देवनाम प्रिया और एक देवनाम प्रियदर्शी, दो नाम है। तो जो तीसरा नाम का राजा था श्रीलंका ताम्पाणि का, उन्होंने भी टाइटल एडॉप्ट किया था अशोक को देख के देवनाम प्रिया का। साथ ही साथ ही ऑल्सो इन्वाइटेड अशोक ऑन हिज सेकेंड कोरोनेशन, ऑन हिज सेकेंड कोरोनेशन। जो ये ताम्पाणि के राजा थे तीसरा, उन्होंने अशोक को इन्वाइट किया था अपने सेकेंड कोरोनेशन पे, सेकेंड ईयर ऑफ कोरोनेशन। तो अशोक को उन्होंने क्या किया, इन्वाइट किया, लेकिन अशोक वहाँ नहीं जा सके। और अशोक का जो पुत्र था महेंद्र, अशोक का पुत्र कौन था महेंद्र, पहले मैंने बताया था अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और उनकी डॉटर जो थी उनका नाम था संघमित्रा। तो अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र, वो अशोक की जगह वहाँ गए और अपने साथ में बोधि वृक्ष का एक सिपलिंग लेके गए थे, एक छोटा सा एक पार्ट लेके गए थे, किसका, बोधि वृक्ष का, एंड अटेंड द सेरेमनी। अपने साथ में एक बोधि वृक्ष का एक पार्ट लेके गए, वो उनको गिफ्ट में दिया था और वो सेरेमनी अशोक के बेटे महेंद्र ने अटेंड की थी। और ये बोला जाता है कि उसी के बाद से श्रीलंका में भी बुद्ध धर्म स्टार्ट हो चुका था। आफ्टर रूलिंग 40 ईयर्स, और 40 साल रूल करने के बाद में अशोक जो है 232 BC में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये बातें हैं अशोक से रिलेटेड, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।